गांव का 3-4 आदमी गया कलकत्ता घूमने के लिए, पहली मर्तबा कलकत्ता गया घूमने के लिए, कलकत्ता कभी गया नहीं था। अच्छा 10 मंजिला मकान उन लोग कभी देखा ही नहीं था, 10 मंजिला मकान नहीं देखा था, 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं देखा था। उन लोग कलकत्ता उतरा ना, उतर के देखा रे बा, एक आदमी गिनती करने लगा 1, 2, 3, 4, रास्ता में खड़ा होकर गाड़ी जाम हो गया, हॉर्न दे रहा हट ही नहीं रहा, महल गिन रहा। पुलिस आया मारा डंडा, बोला अरे कहाँ से आया, बोला बिहार से, बोला क्या कर रहा, बोला हम महल गिनती कर रहे हैं, बोला कै ठो गिनती किया, बोला 3 ठोकी है, बोला निकाल 50 टका फाइन दो, 50 टका दे दिया। पुलिस बोल चल भाग, तो आगे जाकर अपने साथियों को बोलता पुलिस को हम बेवकूफ बना दिए, हम 10 ठो गिनती किए उसको 3 ठो बोले। बिहारक आदमी जो है न, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम कब से चिल्ला रहे बैठो बैठो, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया बोलिए भाई, अल्लाह ने देखने के लिए आंख दिया कि नहीं दिया, सुनने के लिए कान दिया कि नहीं दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया कि नहीं दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है। अरे अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिलखो से, अरे बैठो ना भाई, आप देखो अब भी सुन रहा फिर भी खड़ा, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह वाह भाई वाह। अब देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा, एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए बहुत खूब माशाल्लाह। बाबू ये जो चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए आप, अब बैठ जाइए थोड़ी देर रुक जाइए, जिसको चंदा देना होगा इंशाल्लाह वो देगा। और एक बात याद रखिएगा मेरी बात को, जो सखी है वो सखावत करेगा। अब भाई आ जाओ भाई, बच्चे लोग आ जाओ भाई, बच्चे लोग आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी बैठो, इंशाल्लाह 1 घंटे में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी बोलो भाई, अरे घड़ी थी, लोग समय कैसे देखते थे, सूरज को देखते थे लोग, सूरज सर पे सामने आ गया जोहर का टाइम हो गया, सूरज ढल गया असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया इशा का वक्त हो गया। उस जमाने में भी वक्ता थे तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो कोतो देर आमी बोलबो कैसे पता चलेगा। तो वो वक्ता ना अपने पॉकेट में एक टेबलेट रखता था गोली, जैसे तकरीर करने वो बैठता था गोली मुंह में, तकरीर शुरू 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा गोली मुंह में रखे तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहा। अब भाई कितनी तकरीर सुनेगा लोग, एक एक आदमी उठ के जाने लगा, एक नौजवान आगे में बैठा रह गया। तो वक्ता साहब बोलने कि बाबू सब चला गया, तुम काहे ने गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है। ये नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो जो बॉक्सा साहब छीले तो वो सोचे कि भाई ये रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली। तो टेबलेट जब निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले बोलो मिस्टेक हो गई, आमी ज्यादा देर वक्तव्य करबो ना, हुकुम हुए छे अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम 1.5 घंटा आपको बयान करना है। आप जितनी भी मेरी वीडियो देखें 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर नहीं है, चाहे बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, डॉक्टर ने मना किया है 1 घंटा वक्तव्य करना, मैं खड़े होकर बयान करता हूँ। इंशाल्लाह मस्जिद का जलसा है, अगर आपकी इजाजत होगी तो 1 घंटा 10-15-20 मिनट इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आप लोग दुआ करें, एक वादा करें कि इंशाल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाबे? और कोई जाबे? हे लगले तब तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि की होले रे, काहे ब्रिज बेचैन है? बोला मूल साहब बहुत जोर से लग लो जी। हम भाई नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। तुम नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हम इशारा किए, ए बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोग पढ़ लिए भाई? अरे बोलो, पढ़ लिए साहब? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं वो कहां से पढ़ेगा? बोलता सब पढ़ लिए। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूद याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरह अखलास याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरह कौसर ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरह फातिहा ना जानते हो, कैसा मुसलमान है रे भाई? कैसा मुसलमान है? बंदूक है गोली है ये नहीं। अरे बंदूक है तो गोलियों रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना भाई, बात सही की गलत है? बंदूक है, मान के कंधे में बंदूक लेके घूम रहे हो, कोई बोलेगा कि गोली अच्छे? बोला ना गोली नहीं, तो फिर बंदूक का क्या फायदा? कंधे में लगा काहे घूम रहा, घर में लगा के लगा दे। तो मुसलमान होगा तो ईमान वाला होगा, इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। अब मैं आपको बता दूं, अभी हिंदुस्तान में IPL चल रहा है, चल रहा है? अरे बोलो भाई, चल रहा है। और लेकिन बांग्लादेश में एक सीरीज चल रही है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी है। क्या ईमान है नौजवानों मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, अपने ईमान को मजबूत करो। अरे कम से कम देखने में तो लगे कि ये मुसलमान है ना। हम देखने में मुसलमान है ना, किरदार में मुसलमान है ना, अखलाक में मुसलमान है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए, वो गुजर जाएगा उसकी खुशबू बता देगी कि इस गली से कोई मुसलमान गुजरा है। बंदूक है? बोलो, बोलिए नहीं। हेलो, पेट है? हाँ ना नहीं। बांग्लादेश में सीरीज हो रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ में कॉन्फ्रेंस, इसी तरीके मीडिया वाला घेर लिया, टेबल पे सारे मीडिया वालों ने अपने अपने माइक को रखा, माइक्रोफोन को रखा, और वहां प्रचार के लिए कोको कोला का बोतल, कोको कोला ये यहूदी एजेंट है, इसका कंपनी ये इसराइल है, वो टेबल पे रखा हुआ था, एक यहां दो बोतल रखा हुआ था। जिम्बाब्वे का खिलाड़ी सिकंदर रजा बैठा कुर्सी पर, बैठा कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्पीच देने के लिए, सबसे पहले उन्होंने कोका कोला के बोतल को साइड किया कि हम स्पीच नहीं देगा जब तक कोको कोला के बोतल को नहीं हटाओगे, इसलिए कि यहूदी और इसराइली हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, इसलिए हम इसके प्रचार वाले बोतल के सामने स्पीच नहीं देंगे। ये ना ईमान है। और हमारा
ईमान क्या है? आज भी हम कोको कोला पीते हुए नजर आते हैं, आज भी हम थम्सअप पीते हुए नजर आते हैं। तुम्हें पता भी है इसका एजेंट कौन है? इसराइल है। इसका फायदा इसराइल को जाता है, वो यहूदियों को जाता है जो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहा है, जो हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाओ, तो इसलिए उन चीज़ों को बायकॉट करो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान का किरदार बता देगा, मुसलमान का अखलाक बता देगा, मुसलमान की शक्ल बता देगा कि हकीकत में ये मुसलमान है। इंशाल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा लो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। बस मेरी अगर आपकी इजाज़त हो, एक मतला एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। सुना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत का हुक्म है के जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में या खुदा मदीने में। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे जिंदगी। ए बाबू, आप लोग कहे खड़े हैं बेटा, ये बताइए क्या जमीन जगह कम है? वहां जगह कम है तो स्टेज पे आ जाओ, आओ मेरे बगल में आओ, बैठो ना, जल्दी बैठो ना। कैसे बैठेगा? वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बैठ नहीं सकता। अब वो पैंट का नाम छे जीन्स, बहुत टाइट पैंट है वो, बहुत टाइट पैंट। अच्छा, अभी तो एक नया जीन्स निकला है, फटलका जीन्स, अब इधर है कि नहीं है? है। एक लड़का को देखे, यहां भी फटल, यहां भी फटल, यहां भी फटल, पिछुओ फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जा बेटा, ए बेटा बैठ जा। देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे। वो देखिए, हम बोल रहे बैठने के लिए कान खुजला रहा, पढ़ा लिखा बच्चा हो बैठ जाओ, वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं बैठ सकता, वो पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठे करेगा, लेकिन बैठा जाता ही नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? कुकड़ू। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा है, देखा है मस्जिदों में, देखा है नमाज पढ़ते हुए, देखा है जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क के चूतर में आता है। का कपड़ा पहना भाई, शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है, ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों, इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो, कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इबादत करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हमें जिक्र करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट शेर सुन लीजिए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे,
मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था इसलिए सन्नाटा छा गया, मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई का, मकई जाने ना भुट्टा, बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था, बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे हम मर जाएं। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो, मौत भेज दे मर जाएंगे। एक बस्ती का मन चला, एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला अच्छा, अंधेरा था ये था, ये काली चादर नौजवान लपेटा बदन में, पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहां क्या करने के लिए आया? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दिया, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो, एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ, इंशाल्लाह। ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मरतबा पढ़ लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा, इंशाल्लाह। हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा, जो जाहिल है ना अक्खर जाहिल वो भी पढ़ लेगा। बता दें भाई, बता दें, चापी का एक बच्चा गुम हो गया, जहां भी है स्टेशन पर। भाई देखिए, चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहां भी मिले वो स्टेज पर पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी। तो बोल जी कि ओटा वजीफा बोलबो अपनारा करबेन? अरे बोलो ना करबेन। आमी अपनार छेलेर जन्य दिच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ जत नौजवान आछे आमार, जत आमार छेले आछे अल्हम्दुलिल्लाह एखाने बसे आछे, एटा वजीफा कि आछे? कुरबान जाओ, सिर्फ 21 मर्तबा 21 बार पढ़ना है। ऐ नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाल्लाह 21 मर्तबा सवारी में बैठकर पढ़ लो, इंशाल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। किया छे बोलो, अरे बोलो जोड़े बोलो, ए जे दिखे बोलो तो किया छे? या ना फे ओ, या ना, या ना फे ओ, या ना फे ओ, या ना फे ओ। 21 मरतबा पढ़ना आसान है कि मुश्किल है? बोलो भाई आसान है ना। 21 मरतबा 21 बार 21 मरतबा पढ़ लेना, इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ, की ना मोटर गाड़ी नाम की अपाची, हम रखे नाम थपाची। इंशाल्लाह देखना, आजमा के देख लेना, अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात ये है।